चलेगी नूर तुम्हारी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नूर तुम्हारी, नूर तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नूर तुम्हारी, नूर तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी जो हमारी मां है वो हमारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी बच्चा है हमारी भी फैमिली है, हम डर जाते हैं कि जल्द से जल्द हमारे मसले को हल करे ताकि हम लोगों को पानी पिला सके। प्रोटेस्ट है हमारी काम छोड़ हड़ताल जो 22 जून से लगातार चल रही है, लेकिन हमारी 10 मीटिंगें हो गई हैं जिसमें डिवकॉम के साथ, चीफ इंजीनियर के साथ, मेयर के साथ 2-3 मीटिंगें हो गई हैं, लेकिन पहली मीटिंग में मेयर साहब कहते हैं कि मैं आपकी फाइल पकड़ के साथ में चलूंगा, दूसरी मीटिंग में कहते हैं एलजी साहब को फोन करते हैं, उनके साथ टाइम लेते हैं कि 28 तारीख को आपको मिलवाया जाएगा, और तीसरी मीटिंग में कहते हैं कि आप कॉल ऑफ कर दो, उसके बाद एलजी साहब से मिलाया जाएगा। ये भाजपा की दोगली नीति अब नहीं चलने वाली, ये आश्वासनों से अब एजिटेशन खत्म नहीं होगी बल्कि ये दिन ब दिन तेज होती जाएगी। आज आप देखें जगह जगह सड़कों के ऊपर लोग पानी के लिए रोड ब्लॉक कर रहे हैं, और अगर ये सरकार इसी तरीके से हमारे मसलों को और लिंगरान करती है तो ये हालात पूरे जम्मू के अंदर बनेंगे, और जो भी हालात जम्मू कश्मीर में बन रहे हैं, आज अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है, और क्या जम्मू कश्मीर प्रशासन बाहर वालों को दिखाना चाहता है कि हमारे जम्मू की ये हालत है। हम नहीं चाहते थे कि अमरनाथ यात्रा के टाइम पे हमें ये आंदोलन करना पड़े, इसीलिए हमने 22 तारीख से लेकर 29 तक 7 दिन का टाइम था सरकार के पास, लेकिन सरकार आज भी वही 25 सालों वाले ड्रामेबाजी कि हमें टाइम दे दो, अब हमारे पास टाइम देने के लिए नहीं है, अब हमारे बच्चों के फ्यूचर की लड़ाई है, आखिरी दम तक लड़ेंगे, ये सरकार फैसला करे। सरकार क्या जब तक आपकी स्ट्राइक ये चलती रहेगी, जब तक प्रशासन हमारे हक में फैसला नहीं करता ये स्ट्राइक लगातार चलती रहेगी। लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा, लोग तरस रहे हैं, उसके लिए क्या मैसेज देंगे? मैं आम जनता से, जम्मू की जनता से माफी चाहता हूं, हमने कभी नहीं चाहा था कि हम लोग इस तरीके का मूवमेंट चलाएं, लेकिन प्रशासन ने मजबूर किया, हमने बार बार सरकार को टाइम दिया, पहले 24 घंटे की स्ट्राइक दी, 48 घंटे की दी, फिर 24 घंटे बढ़ाई, लेकिन राज्यपाल प्रशासन जो है ये जम्मू के लोगों को हरासमेंट करना चाहता है, जिसकी वजह से स्ट्राइक बढ़ती जा रही है। हमें कोई शौक नहीं स्ट्राइक बढ़ाने का, आज हमारे हक में फैसला सरकार करे, आज हम स्ट्राइक खत्म कर देंगे। थैंक यू। हमारी भी फैमिली है, हम डर जाते हैं कि जल्द से जल्द हमारे मसले को हल करे ताकि हम लोगों को पानी पिला सके। हमारा कोई शौक नहीं है। चलो वापस आ।